गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका और आज मैं मेरी हिंदी लिखावट की दूसरी कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास शुरू करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों, हमने हमारी हिंदी लिखावट की पहली कक्षा में आपको 5 नई चीज़ों की शुरुआत करवाई थी, उनकी प्रैक्टिस करवाई थी। ये देखिए, हमने आपको सीधी रेखा, खड़ी रेखा, तिरछी रेखा और अर्धवृत्त, जो कि उल्टा सीधा, हमने दोनों की आपको प्रैक्टिस करवाई थी। तो आज भी हम 5 नई चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, देखिए कैसे। लेकिन उससे पहले आप भी अपनी नोटबुक और पेंसिल लेकर फटाफट रेडी हो जाइए हमारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आज हम कर्व्ड लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं घुमावदार रेखाएँ। क्या? घुमावदार रेखाएँ। तो चलिए ये देखिए, इसको बोलते हैं कर्व्ड लाइन, जिस यानी कि घुमावदार रेखाएं। ये अधिकतर यूज़ होती है रु, यानी जब हम र या रु इस तरीके से, उस मात्रा में ये उपयोग होती है। मैं आपको लिखकर बताती हूँ। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर र लिखा ऐसे, और इसमें हमने ऐसे ये रु की मात्रा लगाई इस तरीके से, ऐसे। इसकी हम 5 और 10 बार प्रैक्टिस करेंगे। चलिए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम ये, हमने आपको सेमी सर्कल बता दिया था, लेकिन ये थोड़ा सा हमारा लंबा होगा नीचे की तरफ ऐसे। ये नीचे जो हम र की मात्रा जो लगाते हैं, ये उसमें उपयोग होती है। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद हम डॉट, बच्चे क्या करते हैं कि इतना बड़ा डॉट, ये जो बिंदु जो लगता है वो लगा देते हैं, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, बच्चों को बताना है कि पेंसिल आपको ऐसे पकड़नी है और उसको हल्का ऐसे आपको एक बार आपको घुमाना है, बहुत सुंदर आपको डॉट लगाना है। इसकी भी कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। देखा कितने अच्छे से हो गया। उसके बाद हम ऊपर की तरफ अपनी लाइन को ऐसे घुमाएंगे, जो कि छोटी ई यानी बड़ी ई की मात्रा में यूज़ होती है। तो चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद हम एक और लाइन की प्रैक्टिस करेंगे, जो घुमावदार रेखा है, ऐसे आएंगे और उसको नीचे की तरफ ऐसे घुमाएंगे। तो ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखा बच्चों, हमने कितनी आसानी से ये 5 नई चीज़ें हमने सीख ली। 1, 2, 3, 4, 5। हमने कितनी आसानी से इन चीज़ों को सीखा, एंड आई होप आपने भी बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो हमारी अगली क्लास में हम 5 नई चीज़ें और लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय।